Assalamualaikum जी, नमस्ते, सास्रियकार, welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada. As usual, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक वीडियो जो कि बलूचिस्तान से रिलेटेड है. बलूचिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान से क्या डिमांड रख रहे हैं. सो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं बलूचिस्तान की आवाज को, सुनते हैं और उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे. सो वीडियो पूरी आप लोग मेरे साथ देखिएगा तो काफी कुछ जानने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा. सो यस, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं. और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी. सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Supporting surgical strikes carried out by the Indian Army across the line of control in Jammu and Kashmir, Baloch leader Mazdak Dilshad Baloch on Thursday said that any step taken by India against terrorism is indeed right, while protesting against Pakistan outside Pakistan High Commission in the national capital. He added that Indian Army should conduct surgical strikes in Balochistan as well. Mazdak also appealed Prime Minister Narendra Modi to help making Baloch free from terror activities. हमारी मांग, हम अपना मेमोरेंडम पाकिस्तान एम्बेसी को देना चाहते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान जो आजाद था उसे वापस उसकी आजादी दी जाए, पाकिस्तानी सारी फोर्सेज बलूचिस्तान से बाहर निकलें और जो उन्होंने कत्लेआम किया है बलोचों का उसका जवाब दे पाकिस्तान. आज कल सर्जिकल स्ट्राइक किया है, क्या कुछ कहेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट? बैठ जाओ नीचे दो मिनट. इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ वो सही उठा रहा है और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए करनी चाहिए. सारी दुनिया को खड़ा होना चाहिए और बलूचिस्तान को आजाद करना चाहिए. बलूचिस्तान में हमारी माएं बहनें, हमारे भाइयों पे जो जुल्म हो रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है, उन पे केमिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं, हमारे ऊपर इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमारे ऊपर इन्होंने जबरी कब्जा किया 1948 में. हम अपनी जमीन, अपना मुल्क वापस चाहते हैं. पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, पाकिस्तान जैसी टेरर फैक्ट्री के खिलाफ कोई भी कार्रवाई पूरी ना सिर्फ हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को करनी चाहिए. मोदी जी हमारे मददगार हैं, वो हमारी मदद करें, बलोचों की आवाज और बुलंद करें और बलोचिस्तान को आजाद करने में जो मदद कर सकते हैं वो करें और इंडिया के आवाम मोदी जी का साथ. द इंडियन आर्मी हैज कैरीड आउट सर्जिकल स्ट्राइक्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर टू प्रिवेंट पाकिस्तानी टेररिस्ट्स टू कैरी आउट स्ट्राइक्स इन जम्मू एंड कश्मीर. एक वीडियो संदेश में पीएम मोदी को भाई कहते हुए करीमा बलोच नाम की इस महिला ने दुनिया में बलोचों की आवाज बनने की मांग की है. रक्षाबंधन पर भेजे वीडियो संदेश में करीमा बलोच ने कहा कि हमारे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप अब भाई का रोल अदा करें और दुनिया को हमारा दर्द बताएं. बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है. सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं. I'd like to thank Mr. Narendra Modi for raising the issue of Balochistan. Jai Hind. पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया तो एक के बाद एक पाकिस्तानी जुल्मों की तस्वीर दुनिया के सामने आने लगी. बलूचिस्तान के लोग एक ओर पीएम मोदी को थैंक्स कर रहे हैं तो दूसरी ओर उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं. आपके अपने जुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूंगी. जे तमे हमारा बलूचिस्तान नवास्ते खरुचे एनो गनो गनो अभिमान मिनतवार. बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन करीमा बलोच ने रक्षाबंधन पर पीएम मोदी को एक वीडियो संदेश ट्वीट किया है और भाई की दुहाई देकर पाकिस्तानी जुल्मों की एक एक कहानी दुनिया के सामने रख दी. श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है. मेरा नाम करीमा बलोच है और मैं बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ. बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं,
और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। काइंड ऑफ फ्रॉड ट्रैप लाइज फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इज क्रिएटेड ऑन लाइज। पाकिस्तान फाउंडेशन पाकिस्तान बेस इज हेट एंड लाइज सो दे कैन डू एनीथिंग लाइक दिस। एक्चुअली इट्स डिमांड ऑफ बलूच पीपल, इट्स अपील ऑफ बलूच पीपल ऑलवेज फ्रॉम इंडिया टू इंटरवीन like they intervened in Bangladesh. Why? Because Bengalis were Indians basically and we are not, but we are your neighbors. So it's demand of Baluch people that India should intervene in Baluchistan. India should stop Pakistan from genociding Baluch people. India should do it. But India is not doing. India is not playing their role what they should have. So there is no raw, there is no any other agencies who support Baluch. If they really supported us, till now we were free. We would have been an independent country now, like Bangladesh. So it's lie. If somebody is traveling, we don't know from where they has arrested him, and they are showing that it's from Pakistan. It's where they are showing it's. But it's a trap, it's lie, it's fraud. They craft the things like this. They always show, they don't accept what they are doing in Baluchistan. Actually, they are genociding Baluch people. Actually, they are killing at mass level Baluch people. And they are raping Baluch women in their abductions, in their captivity. They finish all the men, they kill all the men, and they take all women from the villages and they burn. They take all the valuable things and they burn our villages. This is what they are doing. What Nazis haven't done in Germany, they are doing against Baluch people. And India is silent. It's not that it's crime. If you are silent and you are looking at your neighbors, because in history, Baluchistan and India were neighbors. There was no Pakistan, and there will be no Pakistan. I tell you, be sure that there will be no Pakistan. There was no Pakistan. But Baluchistan is here from thousands of years, and Baluchistan will be. Baluchistan shall be here. आपने सुना बलूचिस्तान का जो लोग हैं वो भारत के बारे में क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि रकबे के हिसाब से अगर हम बात करें, जियोग्राफिकली बात करें, तो पाकिस्तान में जो है वो वन थर्ड वन फोर्थ बनता है ना, रकबा बनता है, मतलब वन थर्ड बनता है या वन फोर्थ बनता है, मतलब के पाकिस्तान का चार हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान बनता है, या डेढ़ हिस्सा या दो हिस्से लगा लो, क्योंकि रकबा बहुत ज्यादा है। वो एक अलग बात है कि ये थोड़ा सा जो है वो रेगिस्तानी टाइप कुछ इसका कॉन्सेप्ट है, पहाड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा वो चीजें नहीं है जिस तरह से आप ये कह सकते हो ईरान हो गया, दुबई हो गया, इनकी जिस तरह से मतलब जमीन है, जो जो चीजें इनको फेस करनी पड़ी है सेम वही बलूचिस्तान में। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो यहाँ से बहुत सारी चीजें इनको मिल रही हैं। सी पैक का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी बलूचिस्तान में ही जाके एंड होता है, ठीक है, गवादर में। तो इनको बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए खास नहीं है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त अगर पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खास जगह है तो इस वक्त मेन जो है वो बलूचिस्तान है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ग्वादर में जाके खत्म होता है सी पैक का। उसके बाद फिर जो है वो आप देखें तो यहाँ से गैस का भी सुनने में आता है कि गैस वगैरह का भी यहाँ से काम हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ से मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात कि फिशरी का यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है। तो खैर उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बलूचिस्तान बहुत कुछ दे रहा है। 1948 में जो उनके साथ हुआ, मतलब कि वो तो एक आजाद मुल्क था, तो उनको जो है इन्होंने जो है अपने अंडर में कर लिया। चलो अंडर में आपने उस टाइम पर कर लिया क्योंकि वो आपके आजादी का टाइम था, तो सब कुछ मतलब कि जो समझ आ रहा था वो जायज ही लग रहा था इनको उस टाइम। तो
एटलीस्ट जो चीज को आपने कैप्चर कर लिया है उनको वो फैसिलिटीज तो दो, उनको वो सारी जरूरियात जिंदगी तो दो। ये तो वो हिसाब हो गया जो बांग्लादेश का है कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान हुआ करता था, तो उनको वो फैसिलिटीज वो सब कुछ नहीं दिया जा रहा था जो कि इस पाकिस्तान को दिया जा रहा है, जो मौजूदा पाकिस्तान है। तो जिसकी वजह से उन लोगों ने फिर अपनी आज़ादी के लिए, अपनी अपनी हर उस चीज़ के लिए जो है वो मांगा कि भाई हमें जो है ये सब कुछ दिया जाए, मतलब कि आज़ादी के हिसाब से हमें ये सब कुछ मिले। तो खैर ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि ओवरऑल जैसे उनको, उन लोगों ने आज़ादी मांगी थी, जाहिर बात है ये लोग भी आज़ादी मांग रहे हैं बांग्लादेश को देखते हुए, तो आई थिंक कि इनको दे देनी चाहिए, ठीक है, इनको वो सब कुछ दे देना चाहिए जो आज़ादी है बेसिकली, ठीक है। बाकी ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि वीडियो काफ़ी अच्छी थी, बहुत कुछ इसमें हमें जानने को मिला, देखने को मिला, और जो है वो बांग्लादेश जैसे आज़ाद हुआ वैसे ही जो है ये लोग भी आज़ादी मांग रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि हमारे लिए वो सब कुछ नहीं हमें प्रोवाइड किया जा रहा जो कि हमारे राइट्स बेसिकली बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी का मसला तो आपको पता है कि है ही है, और हालांकि वहाँ पे पानी है, ग्वादर देखो आपको पता है कितना बड़ा पोर्ट है, वहाँ पर तो इतना सारा पानी है, लेकिन उसको उसको यूज़ में कैसा लाया जाए, उसको उसको सही से इस्तेमाल करने लायक कैसे बनाया जाए, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना। अब गवर्नमेंट उनको कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, जैसे हम सिंध वालों को प्रोवाइड की जा रही है, जैसे पंजाब वालों को की जा रही है, सेम वैसे ही उनका भी राइट बनता है कि उन लोगों को भी गवर्नमेंट जो है वो ये फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करे, फिर उसके बाद उनके लोग जो है वो गायब हो रहे हैं। तो आए दिन सुनने में आता है कि उनके लोग गायब हो रहे हैं, तो यार वो लोग क्यों गायब हो रहे हैं, गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए ताकि उन लोगों की भी ज़रूरियात ज़िंदगी जो देखी जाए, उनके अपनों को भी सेफ्टी मिल सके। सो इसी शायद यही रीज़न है कि ये लोग जो हैं खुश नहीं हैं, और हमेशा से ये लोग चाहते हैं कि ये आज़ाद मुल्क हो, और मैं ये समझती हूँ कि अगर इनसे बलूचिस्तान भी छिन गया तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो POK है, मतलब जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, वो भारत वापस लेना चाहता है, और जो है वो बलूचिस्तान जो है वो एक अलग जा रहा है डायरेक्शन में, फिर उसके बाद जो है अब पाकिस्तान के पास बचेगा क्या, सिंध भी सुनने में आ रहा है कि उसका भी बंटवारा करने के चक्रों में लोग पड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या, इनके पास सिर्फ पंजाब बचेगा, पंजाब को ही बस ये लोग घुमाएंगे। दूसरी बात जॉब्स की अगर बात करें तो जॉब्स में भी यही सिनेरियोज हमें देखने को मिलते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। सो गाइज आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जिस तरह से इंडिया ने बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है, और मतलब हर टाइम ही उठाते हैं, तो इस चीज़ से बलूचिस्तान उनके साथ खुश है, और वो लोग खुश हैं, वो चाहते हैं कि ये जो है भारत आवाज़ उठाए, लेकिन अब यह है कि ये बात जो है हमारे यहाँ के लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है, तो इस वजह से वो लोग फिर इस बात पे ऑब्लिगेशंस लगाते हैं, ऑब्जेक्शंस लगाते हैं। सो गाइस आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहूँगी आप लोगों की राय। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।